नेता नहीं बेटी बनकर करूंगी वार्डवासियों की सेवा, यह कहना है वार्ड नंबर 31 से पार्षद पद हेतु निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही मेघा भारती का। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होते ही वार्ड नंबर 31 से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रही मेघा भारती ने वार्ड नंबर 31 में अपना जनसंपर्क शुरू कर दिया है। वार्ड नंबर 31 से युवा शिक्षित व सबसे कम आयु की प्रत्याशी मेघा भारती ने घर घर जाकर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील शुरू कर दी है। तो वार्ड वासियों के लिए ये है कि मतलब आने वाले 5 साल में जो भी हमारे वार्ड में दिक्कतें होंगी, चाहे फिर वो पानी की हो, चाहे लाइट की हो, बाहर रोडों की हो, या फिर आजकल जैसे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा चल रहा है, एजुकेशन को लेके भी रखे किसी तरह की भी अगर दिक्कत होगी तो मैं, मेरे पापा हैं साथ में, हम लोग हेल्प करेंगे उस चीज़ के लिए। पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत चल रही है अभी, सिर्फ हमारे वार्ड में नहीं पूरे खैरतल में ही पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत है, तो हम ट्राई करेंगे हम उस चीज़ को हेल्प करें और करेंगे भी, ऐसा नहीं है। पिछले 15 सालों से ये दिक्कत चल ही रही है, लोग मतलब यहाँ पार्षद बने हैं वो आते भी नहीं है, देख के भी नहीं जाते क्या दिक्कत चल रही है क्या, बस बन के जीत के, ऐसा नहीं करेंगे हम लोग। हम लोग पूरा ट्राई करेंगे कि जितनी भी पानी की दिक्कत है या और की कोई भी दिक्कत लेके चलो आप, सबको हम लोग उसको मतलब सॉर्ट आउट करने का करेंगे। मेघा भारती के पिता समाज सेवी घनश्याम भारती ने बताया कि पूरे वार्ड द्वारा समर्थन देने पर मेरी पुत्री चुनावी मैदान में उतरी है। उन्होंने कहा कि मैं बिना पार्षद के भी वार्ड में सामाजिक गतिविधियों में भाग लेकर वार्डवासियों की सेवा हमेशा से करता रहा हूं, और यदि पार्षद बनने का मौका मिलता है तो जो भी वार्ड की समस्या होगी सभी वार्डवासियों को साथ लेकर उसका निराकरण किया जाएगा। अभी जब मैं वार्ड में सर्वे किया तो मुझे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मिली वो पानी की मिली है, और मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कहता हूँ कि मैं पार्षद बनने के बाद ही वो काम करवाऊंगा, मैं वैसे भी करवा सकता हूँ, मैं इतना समर्थक हूँ कि मैं वैसे भी वार्ड के लिए छोटे मोटे काम करवाता रहता हूँ, समाज के प्रति करता रहता हूँ, गरीबों के प्रति करता रहता हूँ। लेकिन अब अगर हमारा बोर्ड बनेगा तो मैं बड़ी जी जान से पूरे वार्ड के लिए, वार्ड वासियों के लिए, खैरतल के लिए, जहाँ कहीं भी मेरी ज़रूरत होगी तो मैं 24 घंटे जब भी मुझे बुलाएंगे मैं वार्ड वासियों के लिए तैयार हूँ, और मैं पूरा हिम्मत करूँगा, कोशिश करूँगा, सब जनता मेरे साथ है और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जो वादे करूँ वो सारे पूरे करूँ। खैरथल से विजय सिंह की रिपोर्ट। मेवात की तमाम अहम खबरों के लिए मेवात टाइम्स टीवी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें।